तो हमने आज कैंपिंग पे जाना है और ये अच्छा हुआ है कि टाइमली ना ये ग्रीन कार्ट वाला जो ट्रक आता है वो अपना काम कर गया है, तो अपन वो अपनी जगह पे इसको रख दिया है और फिर हम निकलेंगे अपनी कैंपिंग के लिए। और ये देखो अभी समर्स ढंग से शुरू हुई नहीं है लेकिन सभी लोगों की कैंपिंग शुरू हो चुकी है। सामने वाले घर वाले भी अपना पूरा आरवी वगैरह सब लेके आए हुए हैं, सारे बैग्स अपने लोड कर रहे हैं ताकि ये भी जाएंगे अपना कैंपिंग पे। बट सामान देख के आपको लग रहा होगा जैसे पता नहीं हम कितने महीनों महीनों के लिए पता नहीं कहाँ जा रहे हैं बसने के लिए, हम जा सिर्फ एक रात की कैंपिंग के लिए रहे हैं ये, लेकिन सामान इतना सारा है हमारे पास क्योंकि कैंपिंग में ये हो जाता है कि सारी आपको बेडिंग वगैरह खुद ले जाना होते हैं। अब उसके लिए आप एक दिन के लिए जाओ या कई सारे दिन के लिए जाओ, आपको बेडिंग तो पैक करनी पड़ेगी, खाने पीने का सामान, स्पेशली अभी इस टाइम का जो प्रॉपर समर्स नहीं आई तो थोड़ा बहुत ओढ़ने के लिए डुए वगैरह जैकेट रखनी पड़ती है, यहाँ के मौसम का कोई भरोसा नहीं सीरियसली। और इतनी सारी पैकिंग करके एक दिन के लिए जाओ ना, ऐसा लगता है भाई यार एटलीस्ट दो तीन रातें तो होनी चाहिए थी, पूरा पैसा वसूल तो होता ढंग से। और क्या, अरे यार कोशिश हम करते हैं पर होता पता है यहाँ पे अल्बर्टा में, मतलब अल्बर्टा है पता नहीं पूरे कनाडा की बात है आई डोंट नो, लेकिन हमने तो अल्बर्टा में एक्सपीरियंस किया है कि कैंपिंग का इतना ज्यादा भूत है ना लोगों को कि जब शुरू होती है ना कैंपिंग की जो रिजर्वेशन शुरू होती है साल की ना पूरे सीजन की अराउंड जनवरी फरवरी के आसपास शुरू होती है, तो जिस दिन और जिस समय शुरू होती है ना उसके 2-5 मिनट के अंदर ही पूरे सीजन के सारे वीकेंड बुक हो चुके होते हैं और कई सारे वीकडेज भी बुक हो चुके होते हैं सिर्फ 2 मिनट के अंदर। तो हमें भी मतलब कोई भी वीकेंड नहीं मिला, हमें भी वीक में वीकडे में छुट्टी लेके हम कैंपिंग के लिए जाना पड़ रहा है हमें। लेकिन हाँ यार अगली बार कोशिश करेंगे, आज अगर 8 बजे खुल रहा है तो 8 से मतलब 5 मिनट पहले ही बैठ जाएंगे साइड पे ताकि एटलीस्ट 2-3 रातें तो मिली जाए। बैंफ जा रहे हैं और घबराओ नहीं, हम आपको चीजें वही दिखाएंगे जो हमने अभी तक कवर नहीं करी है। बट हम बैंफ जो जा रहे हैं ना, आज हम जो मेन जो हाईवे है ना हाईवे 1 ट्रांस कैनेडा हाईवे वो ना लेके हमने वहां से बीच में से थोड़ा सा डीटूर ले लिया और हम बो ट्रेल से जा रहे हैं और ये जो है रास्ता थोड़ा पहाड़ों के और नजदीक है और बो रिवर के एकदम ही साथ चल रहा है, तो व्यूज थोड़े अलग है और पहाड़ जो है वो और ज्यादा मतलब मैग्निफिसेंट लग रहे हैं इस वाले रास्ते में, तो ट्राई कर सकते हो आप लोग। कम से कम 5-10 मिनट तो गए यहाँ पे, यहाँ मालगाड़ियाँ इतनी लंबी होती है, इतनी लंबी कम से कम 10 मिनट लग जाते हैं पूरा एक क्रॉस करने के लिए। ये ड्रेस पे जीत गई वैसे हमसे है ना, यही तो रास्ते पर दिख रही थी मैंने लिए शॉर्ट्स में और ये अब हमसे आगे निकल गई, हमें रुकना पड़ेगा। सो हम बैंफ पहुंच गए हैं और अगर बैंफ में आपको फ्री पार्किंग लगानी है ना तो एक तो जो बैंफ का जो मेन रेलवे स्टेशन की पार्किंग है वो फ्री पार्किंग है, वहाँ लगा सकते हो, लेकिन वो बैंफ एकदम एंटर करते ही आ जाता है, तो अगर आपको बैंफ से थोड़ा अंदर टाउन के अंदर और आगे आगे तक जाना है तो थोड़ा चलना ज़्यादा पड़ता है। तो उसके अलावा एक ऑप्शन और है विच इज़ दिस बो एवेन्यू, तो अगर आप देखो बो एवेन्यू जो है ना पूरी उस एंड से लेके उस पूरे एंड तक पूरी बो एवेन्यू पे सिर्फ और सिर्फ पार्किंग ही पार्किंग है और ये फ्री पार्किंग है, तो अगर अगली बार बैंफ आ रहे हो तो इस बो एवेन्यू की पार्किंग में लगा देना। बारिश हो रही है ना एंड साथ में ये जो चिड़िया ऐसे चहचहा रही हैं सब कुछ और भी ज्यादा अच्छा लगता है। और इस बो एवेन्यू की पार्किंग का फायदा ये है किसी के पास एक वॉशरूम बना हुआ है, काफी आलीशान लग्जरी सा वॉशरूम जो आप देख रहे हो, साफ सुथरा भी है और इसकी जरूरत पड़ भी जाती है भैया, हाईवे पर अगर ड्राइव करके आ रहे हो तो बीच रास्ते में कभी कभी प्रेशर बन जाता है, स्पेशली जब ऐसी बहुत ही मीठी मीठी सी ठंड हो। मम्मी चलो, वो जो देख रहे हो ना वो बैंफ नेशनल पार्क की एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग है, क्या बात, इतनी जबरदस्त बनी हुई है, कैसल जैसी बिल्डिंग लगे तो यहाँ काम करने में मजा ही आ जाए है ना, कभी लगे ही ना ऑफिस आ रहे हैं यहाँ पे, सही में बिल्कुल गवर्नमेंट ऑफिस की बिल्डिंग है ये। और अभी हमने शायद उसी के पास जाने हो कि वहाँ वहीं पे बना हुआ है कैस्केड गार्डन, तो वहाँ चलते हैं आज। फाइनली हमें कैस्केड गार्डन की एंट्रेंस मिल गई, मैप पे कहीं नहीं लिखा हुआ कि एंट्रेंस कहाँ से है, फाइनली हमने ये देखा कि सिल्वर ड्रैगन जो कैफे बना हुआ है ना उसके ऑपोजिट ही एंट्रेंस बनी हुई है, तो यहाँ से एंटर करना है। तो अगर आपको मैप पे ना दिख रहा हो तो कंफ्यूज मत होना,
सिल्वर ड्रैगन कैफे ढूंढ लेना और उसके ऑपोजिट आ जाना। उन पीछे पहाड़ों के आसपास जो बादल दिख रहे हैं एकदम घकोर काले, उनको देख के पता लग रहा है कि कल बहुत ही ज्यादा या तो बारिश या बर्फ पड़ने वाली है। सही में, और हमने ये वेदर फोरकास्ट पहले ही देख लिया था और बहुत निराश भी हुए थे हम कि जिस दो दिन हमने प्लान बनाया हुआ है, जनवरी से हमने बुकिंग करी हुई है, उन्हीं दो दिन बारिश और बर्फ लिखी हुई है। खैर बारिश तो बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन अगर कल बर्फ पड़ गई ना मजा नहीं आएगा। काफ़ी सुंदर और काफ़ी पीसफुल जगह है ये, डेफिनेटली अ मस्ट स्टॉप। बहुत बड़ा नहीं है बट मतलब एक डेफिनेटली अ गुड स्टॉप ओवर, थोड़ा सा यहाँ पे टाइम स्पेंड करना वर्थ इट है। मम्मी गायब है, मम्मी गुम हो गई है वादियों में, सच में खो गई है इधर उधर कहीं भी नहीं दिख रही, वादियों की खूबसूरती में मम्मी मदहोश होके कहीं लुप्त हो गई है। अच्छा, इतनी हिंदी बोल दी आपने की लाइन। और क्या, मम्मी को लग रहा है कि हम उनको ढूंढने आएंगे, छुपन छुपाई खेल रहे हैं वो अपना, आगे निकल गए और हमने उनको देख लिया वहां जाते हुए हम, लेकिन जानबूझ के इस तरफ आ गए देखने के लिए मम्मी वापस आएंगे या नहीं आएंगी। मम्मी को यहाँ जेल में बंद कर दिया गया है। क्या मम्मी पीछे भालू ड्रामा कर रही थी मम्मी, कोई डर ही नहीं है। बचपन में हम सपने नहीं देखते थे, पहाड़ बनाए हैं, घर बनाया है एक, वहाँ आसपास झूले हैं लगे हुए हैं, वही बस बचपन के सपने ही पूरे हो रहे हैं। लिटरली यहाँ पे लोगों के घर बने हुए हैं, क्या मज़ा आता होगा रहने में यार। कई लोग पूछते हैं ना हमसे, और मुझे पता है ज़्यादातर जितने भी व्लॉगर्स हैं, हम ऑब्वियसली जब जो भी कैलगरी में रह रहा है ज़्यादातर बैम्फ, कैनमोर, जैस्पर, ऐसी कई जगहों में पहाड़ों के पास हम आते रहते हैं, तो कई लोग कमेंट्स में डालते हैं कि यार आप हर वीकेंड या बस या बैम्फ ही मतलब चक्कर लगाते रहते हो क्या। तो मैं सिर्फ बैम्फ नहीं, और भी जगह जाते हैं, लेकिन यार यही तो लाइफ है। बचपन में यही नहीं सपने देखते थे हम कि यार सुकून हो, ऐसे रिवर बह रही हो, लेक हो, झरना हो, साथ में पहाड़ हो, चिड़ियाँ चहचहा रही हों, यही तो हम सपने देखते हैं। और वो अगर पूरे हो रहे हैं तो हम मौका क्यों छोड़ेंगे, जब टाइम मिलेगा हम आएंगे मैम और दिखाएंगे और आपको परेशान करेंगे। कितना सही लग रहा है। अभी हम एक काफ़ी वर्ल्ड रिनाउंड होटल के पास पहुंचने वाले हैं, गेस करो होटल का नाम क्या है और कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। मम्मी ये देखो, ये है बैम स्प्रिंग होटल, ये दुनिया का बहुत ही ज़्यादा वर्ल्ड रिनाउंड होटल है। एंड आप मानोगी, ये यहाँ की कैनेडियन पैसिफिक रेलवेज है, उन्होंने ही बनाया है ताकि यहाँ का टूरिज्म और प्रमोट हो, तो उस साल में जब 100-200 साल पहले। इस होटल में ये अच्छा है कि अगर आपने मतलब आप यहाँ पे स्टे नहीं भी कर रहे तो भी आप आराम से अंदर आ सकते हो, इस होटल की ब्यूटी को एडमायर कर सकते हो और यहाँ पे खाना पीना, कॉफ़ी वगैरह वो सब भी पी सकते हो। तो हम ये दूसरी बार यहाँ पे आ रहे हैं देखने के लिए। आई थिंक दिस मस्ट बी अ साइन कि तीसरी बार जब हम आएंगे तो शायद हम यहाँ पे रह रहे होंगे। सपने देखने में क्या ही जाता है। इंडिया में किसी म्यूजियम में जाओ तो हर जगह लिखा होता है प्लीज़ डू नॉट टच, और यहाँ पे स्पेशली लिखा है प्लीज़ ओपन ड्रॉर्स, कि देखो हमने ड्रॉर में क्या क्या हमने कर रखा है। बोलना यहाँ पे कनाडा में अभी भी लोगों में ट्रस्ट है कि आप आओगे तो कुछ नुकसान करके नहीं जाओगे, कुछ चुरा के नहीं जाओगे, तो इसलिए यहाँ पे ओपनली लिख सकते हैं कि हाँ जी प्लीज़ ओपन ड्रॉर्स, और हमारी और भी जो हमने चीज़ें लगाई हैं वो सब भी देखो आराम से।
इस होटल के एक कैफे में आ गए हम, फाइव स्टार होटल में आए हम, यहाँ से आए हैं कुछ तो लूट के जाएंगे मतलब कुछ तो खा के जाएंगे, और यही वो फ्रेश स्पाइसेस फ्रेश हर्ब्स यूज कर रहे हैं पूरा जो भी यहाँ पे खाना बना रहे हैं, जो भी सैंडविचेस बना रहे हैं। चलो कहीं भालू ना आ जाए सही ये एक्चुअली में रिकमेंडेड होता है, मैं ऐसे मजाक में गाना नहीं गा रहे हैं, जब भी आप ऐसे ट्रेल्स में होते हो जंगलों के बीच में, क्योंकि यहाँ पे बेयर होते हैं, तो रिकमेंडेड होता है कि थोड़ा सा गाने गाते हुए म्यूजिक कुछ ना कुछ ताली बजाते हुए शोर मचाते हुए ही चलना चाहिए ताकि भालू आपके पास ना जाए। और ये वाला गाना इसलिए गाना पड़ रहा है अपना बना के ताकि कॉपीराइट ना आ जाए देखो कितनी मुश्किल है भैया, व्लॉग बनाना आसान काम नहीं है भैया। आई एम नॉट श्योर अगर आपको आवाज आ रही है, लेकिन पानी की बहुत तेज आवाज है क्योंकि अब हम आ गए हैं बो फॉल्स पे। और ये बो फॉल्स इस बैम स्प्रिंग्स होटल के एकदम बैक साइड पे बने हुए हैं, अमेजिंग व्यू है और ये फॉल्स अमेजिंग जगह है यार। ये हम अभी तक चार या पांच बार बैंफ आ चुके हैं, हमने कभी भी ये कवर नहीं किया, आई डोंट नो व्हाई, बट दिस इज एन अमेजिंग प्लेस। ओके सो हम बो फॉल्स में आए हुए हैं एंड लुक हियर हु वी फाउंड, येलो को प्रोडक्शंस। आई एम श्योर आप You must have seen a lot of videos of, अगर आप Canada explore कर रहे हैं, if you are trying to explore Canada and a lot of videos, I'm sure you must have seen a lot of his videos and they are amazing. So, अगर नहीं देखी हैं, you must watch and I'll link his channel's name in the description box. Well, thank you so much. I will see you all in the next video. बारिश काफ़ी तेज़ हो चुकी है, थोड़ी थोड़ी ठंड भी लग रही है, पता लग ही गया होगा सभी के हुड चढ़ गए हैं अब। है ना मम्मी एकदम थोड़ा जैसे मूवी के सेट नहीं बनाए होते, जैसे एकदम नकली सा टाउन हो कोई, वैसा नहीं लगता ये है, ये रियल, लेकिन इतना टूरिस्टी इतना ड्रीमी बनाया हुआ ना कि आपको लगेगा कि ये कोई नकली जैसे मूवी का सेट होता है वो बनाया हुआ किसी ने। मम्मी डर तो नहीं लग रहा इससे? नहीं डर नहीं लग रहा, लेकिन कहीं थोड़ा सा कहीं माइंड में वो हो रहा है कि एकदम से बोल के कहीं ये सही में असली निकला तो। अपनी एक फेवरेट चीज दिखी है बीवर टेल्स, अब मन कर रहा है कि ये खाने फिर ही जाते हैं वापस। बहुत मस्त लगा आपको? क्या बात है, साफ कर दिया मम्मी ने। तो काफी शॉपिंग हो गई है तनु, काफी सारे सुवेनियर्स हमने ले लिए हैं क्योंकि ऑब्वियसली मम्मी पहली बार आई है, तो जब जाएंगे हम भी, जब पहली बार गए थे गिफ्ट्स लेके जाना ही होता है, बनता ही है, तो वो सारी शॉपिंग भी हो चुकी है। अब वापस चलते हैं और अपने कैंप ग्राउंड में फाइनली चलते हैं, सुबह से चल चल के थक टूट चुके हैं सभी लोग, कैंप ग्राउंड में जाएंगे आराम करेंगे, बट आपको थोड़ा सा झलक दिखा देंगे कैंप ग्राउंड की, दो इट्स द सेम कैंप ग्राउंड जिसमें हम पिछली बार गए थे, तो वो वीडियो मैं टैग कर दूंगा, लिंक कर दूंगा स्क्रीन पे, तो वो देख लेना अगर आपको डिटेल्ड टूर चाहिए उस कैंप ग्राउंड का और हमारे कैंप टेंट का, तो उस वो वाली चीज़ हम आज वाली वीडियो में कवर नहीं करेंगे, बट स्टिल थोड़ी सी झलक मैं आपको दिखा देता हूँ। तो हम पहुंच चुके हैं अपने कैंप में, इस कैंप ग्राउंड में कूगर की सेटिंग हुई है कल, एंड हु वुड हैव इमेजिन्ड, बर्फ पड़नी शुरू हो चुकी है। और हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन क्या है, वो ये है केव एंड बेसिन
नेशनल हिस्टोरिक साइट। मम्मी को क्या मजे आ रहे हैं, शाहरुख खान बनी हुई मम्मी।